हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है रिजवान एस एस सी अचीवर। आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे एलपी और टेक्नीशियन 2018 की आज के प्रश्न 9 अगस्त 2018 का जो प्रश्न आया है मैथ्स पेपर से, मैथ्स पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर कीजिए कीजिए। चलिए देखते हैं 9 अगस्त को क्या क्या प्रश्न आया है मैथ से रिलेटेड। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी व्यास बताइए, व्यास उसकी कितना होगी, यानी 2r हम लोग को निकालना है। मेरी राइटिंग कुछ ठीक नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। शायद 70 सेंटीमीटर स्क्वायर था कि 77 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको 77 सेंटीमीटर लिखा। किसी गोले का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बनाना है, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए इसका होता है जा करके पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² ये होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका वैल्यू हमें कितना दिया है, 77 दिया है, ठीक है ना, और 2r हम लोग को निकालने बोल रहा है। 4πr अगर 4 × 22/7 को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे × r² तो कितना आएगा, 77। ये कितना से कट गया, 7 से कट गया। ये कितना से कट गया, 2 से कट गया। 4 × 8 यानी 7² ऊपर में r² का वैल्यू कितना हो गया, 7 × 7/8 आ गया। 4 × 8 आ गया। इसमें से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2√2। इसमें से जाकर के r का वैल्यू आ जाएगा 7/2√2। अब हमें 2r निकालना है तो 7/√2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर उसको √2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3.5√2 आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि 64008 का निकटतम स्क्वायर क्या है। इसका आप निकालते निकालते परेशान हो जाइएगा, लेकिन दोस्त इसमें इतना का निकालना है तो इसको हम नियरेस्ट कितना ले लेते हैं, 64 0 ले लेते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 00, 800 के लगभग में होगा। 800 के लगभग में कौन है, इसको आप ये नहीं था, 880 होगा, 880 ऑप्शन बी में था, ये नहीं 800 था 800 ही इसका आंसर होगा। हाँ, नंबर 800 इसका आंसर, क्योंकि 6400 से 8 के लिए बढ़ा। 802 का अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 804 का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 810 का बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए 800 इसका नियरेस्ट स्क्वायर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन। चलिए sec4a cosec a − 20 आ गया, तो इसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। जैसे सेक और कॉसेक रहे, साइन और कॉस रहे, कॉट या टैन रहे, तो इसमें एक होता है 4a+, इसमें जो रहेगा ना a − 20, यानी दोनों का सम हमेशा 90 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इसको sec a = cosec b, ये मैं इसका भी वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, इसमें डालूँगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और भी आगे वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो इसका देखिए कितना है, 110। चलिए आप जिस आपको या यदि और क्वेश्चन भी मिलता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ए से इसका वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 22 आ गया इसका वैल्यू, तो ए का 22 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन सा आया, HCF of 16 24 4 36, तो 4 से क्या, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा, 4 × 36 हो जाएगा। इसका अगर निकाला जाए तो इसका HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं, HCF 24, जिस मेथड से निकालिए एकदम आराम से आ जाएगा। 16 कितना बचा, 8 बज गया, 8 से 36 कितना बार में जाएगा,
16 से 24 किया, 16 एकम 16, 8 बज गया रिमाइंडर, 8 से 37, 8 चौके 32, ठीक है, 4 आ गया रिमाइंडर, 4 से 8, 2 बार में गया, यानी इसका 4 आंसर आपका हो जाएगा, 4 आंसर। चलिए, 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत लोगों ने इसको गड़बड़ किया, तो 2 घंटा का 1 दिन का इतना प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, तो 24 आर हो जाएगा, 2 बाई 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 25 यहाँ पे, यानी 25 बाई 3, 3 8 24, 1/3 इसका परसेंटेज, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इसका मीडियन निकालने आया था, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था, इसमें मीडियन दिया हुआ था, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं, 2 4 6 8, 8 टर्म्स हैं, इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, जैसे n बाई टू टर्म्स हो जाएगा, प्लस n/2 + 1 टर्म्स, अगर इवन हो ऑड में और ऊपर कर देना है, बाई टू हो जाएगा, तो n/2 यानी 8 है, तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4 टर्म्स, तो इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, 18 = 4 टर्म्स + 5 टर्म्स/2, 4 टर्म्स क्या है हम लोग का, 16 है, 16 + x है, 2 है। चलिए देखते हैं, यहाँ से 18 हो जाएगा, 16 + x/2, तो 16 16 32 18 2 36, 32 हो गया प्लस x हो गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन, रेशियो और प्रोपोर्शनल से आया था, a:b, b:c, c:d, तो यहाँ देख लीजिए, a:b आ गया 5:7, b:c आ गया 8:9 और c:d आ गया 3:5, a:d निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, ये b:d निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई, b:d आ गया 8:15, bd का वैल्यू 8:15 आ गया, a:b 5:17, जैसे यहाँ पे देखा जाए, a:b आ गया 5:7 और यहाँ से b:d हमने निकाला था 8:15। अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें, 8 6 56, 8 5 40, 8 7 56, 15 6 90, 15 7 105, 105 से ये कट जाएगा, 5 8 40, 5 2 10, 8:21 आपको आंसर आ जाएगा इसका। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है, किसी ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 100 मीटर पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकाले, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 90 को हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, एकदम इजी वे में बना रहे हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को x मान लिया, तो x ऐड कर देते हैं, बाई 10 हो गया, यहाँ से 18 5 90 हो गया, 5 25 हो गया, 25 से 250 आ गया आंसर, प्लस 100 प्लस x हो गया, x का यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 150 आ जाएगा, x का वैल्यू 150 मीटर, यहाँ से आंसर हो गया x का वैल्यू। चलिए और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।